गुलाबी शहर जयपुर। ये शहर बलिदान, शौर्य, साहस से भरा है। इसके दामन में लिपटी दूर दूर तक मरुधरा है। राजा महाराजाओं की गाथा लिए देती आई है यही संदेश। केसरिया पालम, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। लोक और तंत्र, ये दो शब्दों को मिलकर के बना है लोकतंत्र, जिसे आपने बनाया है, जो आपके लिए बना है। अपने संसदीय क्षेत्र से आप किसी भी एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजते हैं, ताकि वहाँ पर वो आपके मुद्दों को उठा सके, आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़ सके। ऐसे तो आप अपने सांसद को बखूबी जानते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए आप उनको और अधिक नज़दीक से जानेंगे। उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, उनका व्यक्तिगत सफ़र कैसा है। आज के हमारे मेहमान हैं जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा जी। आइए अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्व रखता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। राज्य भर के लोग अलग अलग कारणों से इस शहर में आते हैं। इस शहर में आपको आज भी शहर और गांव दोनों की झलकियां मिल जाएंगी, और इसके विकास की जिम्मेदारी है रामचरण बोहरा के पास। श्री रामचंद्र बोहरा जी। अहम रामचरण बोहरा लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचित है। निश्चयन परमेश्वरस्य नामना सपे यदम विधान विधिना स्थापित भारतस्य संविधानम प्रति सत्यम श्रद्धाम निष्ठाम च धार्यस्य यदम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम अखंडताम से रक्षयामि तथा यत् पदम गुरुत्वम अहम मुदतोऽस्मि तस्य कर्तव्यान् श्रद्धापूर्वकम् निरक्षयामि जयतु भारतम्। 1 जुलाई 1956 में जन्मे बोहरा जी इस निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। अपने अच्छे काम की बदौलत बोहरा जी ने कई पदों की गरिमा बढ़ाई है। 1995 से सन 2000 तक ये जिला परिषद जयपुर के सदस्य रहे। मई सन 2014 में ये 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1 सितंबर सन 2014 में ये सदस्य शहरी विकास और सलाहकार रेल मंत्रालय बने। मई 2019 में ये 17वीं लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए। रामचरण बोहरा जयपुर शहर से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जयपुर का तेजी से विस्तार के कारण पेयजल की काफ़ी समस्या बन रही है। प्राचीन समय से जयपुर का प्रमुख पेयजल स्रोत रामगढ़ बांध रहा है, लेकिन ये बांध आज भी अतिक्रम का शिकार होकर अपनी पहचान खोने की कगार पर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। रामचरण बोहरा ने जयपुर जिला प्रमुख और जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष के साथ साथ दौसा और टोंक संसदीय क्षेत्रों के चुनाव में बखूबी जिम्मेदारी निभाई और पार्टी को सफलता दिलाई है। बोहरा जी ने शुरुआत से ही अपने जीवन को आम लोगों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। बोहरा जी 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्र के निर्माण में लग गए थे। वर्ष 1983 से ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। करीब 30 वर्ष के लंबे जुड़ाव में संघ ने इन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी, उसको इन्होंने काफी कुशलता से निभाया है। वर्ष 2013 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वराज संकल्प यात्रा का संकल्प लिया, तब बोहरा जी उसके संयोजक बनाए गए और अपनी कुशल संगठन क्षमता और नेतृत्व की कुशलता से स्वराज संकल्प यात्रा को सफल बनाया।
जिसका परिणाम सन 2013 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। शांत, सौम्य और कुशल नेतृत्व के धनी रामचरण बोहरा ने जयपुर के विकास के लिए काफी काम किया है, खासकर रिंग रोड, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए। प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत जयपुर में कई काम हुए हैं, जैसे पीएम आवास योजना के तहत अब तक 11,809 आवास बनकर तैयार हैं, 1,633 मकान निर्माणाधीन हैं, उज्ज्वला गैस योजना के तहत अब तक 1,00,000 कनेक्शन जयपुर शहर को मिल चुका है, जयपुर को रिंग रोड की सौगात भी मिली है, जिसके तहत पहले फेज में 46 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, दूसरे फेज में 47 किलोमीटर की रिंग रोड का प्रस्ताव मंजूर है। इन सारी योजनाओं में रामचरण बोहरा की सक्रिय भूमिका है। जो रिंग रोड केंद्रीय सरकार की परियोजना है, ये आमजन के लिए काफ़ी अच्छी परियोजना है। भारी साधनों का इससे आवागमन हो रहा है, जयपुर शहर पे साधनों का दबाव कम हो रहा है। जयपुर में जो ट्रैफिक चलता था वो इस रिंग रोड बनने से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि बड़े जो साधन है वो इसमें आवागमन हो सके, सबसे पहला फायदा ये। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो रिंग रोड है आगरा रोड से गोनेर रोड की जो नदी है वहाँ तक कम से कम 10-15 गांव निवास करते हैं, इसमें जो सर्विस रोडें हैं इनको इस रिंग रोड से जोड़ा नहीं गया, जिससे इन लोगों को उतरने और चढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इन गांवों को इस रिंग रोड पर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए उतार चढ़ाव बनाया जाए। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वो हैं हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू। जयपुर में महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना रामचरण बोहरा का सपना था। रिंग रोड पूरा हो जाने पर लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी हो रही है और एक नया जयपुर आकार ले रहा है। पर्यटन के लिहाज से एयरपोर्ट और रेलवे से जुड़ी सुविधाओं को दुरुस्त करने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। जयपुर रेलवे स्टेशन की जो सुविधाएं हैं वह बहुत अच्छी हैं। यहाँ एस्केलेटर भी है, साफ सफाई की जो व्यवस्था है, जो टेंडर देर का अच्छा लग रहा है, जिस प्रकार से सुविधाओं का नाम है। तो यही चीज़ें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेल की सुविधाएं हैं, जैसे किराया माफ करना चाहिए छात्रों का। रामचरण बोहरा के करीबी मानते हैं कि एक सांसद होने के नाते ये अपनी जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए ये हर फोन कॉल ज्यादातर खुद उठाते हैं। लोगों से अपने संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए रोज इनके आवास पर जनसभा लगती है। ये लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान के साथ ही जयपुर की जनता इनके आवास से खुश होकर वापस लौटती है। कभी भी सांसद साहब के पास हम छोटी छोटी समस्या लेके आते हैं तो हमारी समस्या तत्काल उसी टाइम सॉल्यूशन करते हैं। अभी मैं कोई समस्या लेके आया, सांसद साहब को मैंने अवगत करा दिया, तो अभी मौके यथास्थिति पे उन्होंने कमिश्नर साहब को फोन मिलके और मेरे को तत्काल उनसे मिलने के लिए बोल दिया। देश में प्रस्तावित 98 स्मार्ट सिटीज में जयपुर का भी नाम है, इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से, जैसे एमपीलैड है, स्वच्छ भारत मिशन है, पीएम ग्रामीण आवास योजना है, नरेगा योजना है, ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार का जो शेयर होता है वो भी उसमें दिया जाता है। और इसमें जयपुर जिले में जिला परिषद के द्वारा काफ़ी अच्छा काम इसमें किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत जयपुर में पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। ग्रामीण इलाकों में घर घर पानी पहुंच रहा है। साफ पानी के लिए 304 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, जिसके बाद हजारों ग्रामीणों को मिलेगा स्वच्छ पानी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद पर्यटन के लिहाज से यह शहर अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। स्मार्ट सिटी में हम 2400 करोड़ का हमने इसका डीपीआर बनाया है। चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे और दूसरा प्लानिंग का जेडीए का काम हो, स्मार्ट सिटी को में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, उसका भी पूरा ध्यान रखने का हमने काम किया है। रामचरण जी मानते हैं कि अभी भी इस शहर में काफी काम करना बाकी है,
क्योंकि विकास का काम कोई एक दिन की बात नहीं होती। और अगर आपका सांसद अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहा है तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट हम सभी कैडेट्स की फीस पे करती थी, अब उन्होंने ऐसे कर दिया है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही फ़ी पे करती है, प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं करती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के जो कैडेट्स हैं उनको खुद को अपनी फ़ी पे करनी पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे वो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दे रहे हैं फ़ंड, वो हमारे लिए भी दें। जयपुर में मेट्रो का फर्स्ट फेज कम्प्लीट हो चुका है, हम चाहते हैं कि सेकेंड फेज जो अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक के लिए है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। बोहरा जी का राजनीतिक सफर जितना विशाल है उतना ही परिपक्व इनका पारिवारिक जीवन है। अब राजनीतिक सफर से इतर हम आपको इनके परिवार की तरफ लिए जा रहे हैं, जहां इनके व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। सुबह की पहली किरण के साथ रामचरण जी रोजाना आपको मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखेंगे। इनके पास चाहे कितना काम क्यों ना हो, कहीं अचानक भी जाना पड़े, पर अपना कुछ समय ये भगवान को जरूर देते हैं। यहाँ तक कि घर के बच्चों को भी इन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बिना किसी झिझक के ये बच्चे हमारे सामने संस्कृत में श्लोक पाठ करते नजर आए। पिछले 7 साल से पापा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, तो तब से हम लोग देख रहे हैं इनको। इनका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि जब वो दिल्ली भी रहते हैं तो जयपुर के हर मैटर पे इनका एक फॉलोअप रहता है। इसमें आप संस्कार और सीख दोनों के समागम को देख सकते हैं। पापा के लिए शायद 24 घंटे भी दिन के कम पड़ते हैं, अगर वो भी ज़्यादा होते तो ये अपने हर एस्पेक्ट को फुल जस्टिस करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, चाहे वो राजनीतिक कोई प्रोग्राम हो, चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो। इस भरे पूरे परिवार में रामचरण जी अपनी माँ के काफ़ी करीब हैं। इनकी व्यस्तता काफ़ी होती है, पर अपने परिवार के लिए समय कैसे निकाला जाता है ये इन्हें बखूबी आता है। टाइम की कमी के कारण पापा आधा समय दिल्ली और आधा समय जयपुर रहते हैं, तो बच्चे और हम सभी फैमिली मेंबर्स इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही पापा आते हैं दिल्ली से तो बच्चे वगैरह बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और खेलते हैं उनके साथ, पर ये बच्चे कई बार डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते तो इनकी डांट भी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। जब अपने सारे कार्यक्रम से घर पे आते हैं तब हम उनके साथ जब खेलते तब हमें दादू को स्टोरीज सुनाना बहुत अच्छा लगता है, फनी स्टोरीज, तो हम सब बहुत हंसते हैं, हमें मज़ा आता है। इनकी पत्नी और बच्चों ने पूरा घर संभाल लिया है। इनकी पत्नी इनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल संजीदगी से रखती हैं। इनको एक तो दाल पसंद है रोजिना खाने में, और दलिया है, जैसे सीजन वाइज बाजरे की रोटी है, बेजर की रोटी है, ये सब ज़्यादा पसंद है। मैडम इसके अलावा और क्या स्ट्रीट फूड की बात करें तो क्या चीज़ें पसंद है? पानी पताशी आप बता रहे हैं। हाँ, पानी पूरी ज़्यादा पसंद है इनको, पानी पूरी है, डोसा है, ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है। इसके साथ मैम यदि बात करें, क्योंकि लगातार दिल्ली आना जाना रहता है, तो उस हिसाब से इनके खाने में भी कई चीज़ें पैक करके आप भेजते होंगे यहाँ से? हाँ हाँ। क्या चीज़ें पैक करते हैं? हाँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स थोड़ा पैक कर भेजते हैं हम लोग, और ये मखाने वगैरह है, ये थोड़ा क्यों व्रत का थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ये व्रत के हिसाब से, तो मखाने वगैरह सब ये ज़्यादा पैक कर। बोहरा जी को अपने पैतृक गाँव वाटिका से काफ़ी प्रेम है। ये गांव राजधानी से काफी करीब है। रामचरण जी के व्यक्तिगत जीवन में इस गांव की अहम भूमिका रही है। हर मंगलवार रामचरण जी वाटिका गांव जरूर आते हैं। यहां इन्होंने एक भव्य मंदिर बना रखा है जहां अक्सर पूजा पाठ की जाती है। यहां पे उनके माता का मंदिर है, कुल की देवी है, यहां पे वो शुरू से यहीं पे पूजा करते हैं, और नवरात्रों में और हर मंगलवार को यहां पे बड़ी पूजा होती है, और 14 को भी यहां पे बड़ी पूजा होती है। नवरात्रों के दिन उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आती है और पूजा करते हैं। यहाँ पे हवन भी होता है बहुत बड़ा, और उनके अलावा यहाँ पे गांव के आसपास के लोग भी माता जी के आते हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत इन्होंने भापुरा के अलावा वाटिका को भी गोद लिया है,
और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का ये पूरा ख्याल रखते हैं। हर समय आते हैं, लोगों से जुड़ाव भी रखते हैं। ये आते हैं जब 150 आदमी 100-200 आदमी आते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। जनता अपने जनप्रतिनिधि को इस मकसद से चुनती है कि वो अपने कार्यकाल में पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें। ये काम ही उनके दूसरे कार्यकाल को तय करता है। पानी की समस्या को इनके सामने रखा, बड़े ही आसानी से मिले ही और मिलकर उन्होंने हाथों हाथों समस्या का निराकरण करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को बताया और मुझे भी कहा कि आपको जब भी समय मिले अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द उनके आदेशानुसार, माननीय सांसद के आदेशानुसार, वो जल्दी से जल्दी समस्या हल कराने का मुझे आश्वासन दिया है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए, एक वर्षों पुरानी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और हर चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आइए अब रामचरण जी से विस्तार से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या वो अपने कार्य और कार्यशैली से संतुष्ट हैं। बहुत सारे काम जो आप कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस तो आप सड़क निर्माण को लेकर के हैं। आपने एयरपोर्ट पे भी काम किया, हमने देखा आपने रेलवे पर भी काम किया है और पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आपने इन कुछ मुद्दों को क्यों पकड़ा? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाओं की शुरुआत। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने 5 करोड़ की स्कीम बनाई और 5 करोड़ की स्कीम बनाने के बाद में नेवटा ग्राम से पानी लाकर उस गांव को पानी, मीठा पानी पिलाने का काम किया और आज जो टंकियां खाली पड़ी थी, एक समय बनी थी टंकियां, बरसों से पड़ी हुई थी, उन टंकियों में पानी भरकर गांव वालों को सप्लाई करने का काम और जगह जगह पर जैसा प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर घर में शुद्ध पानी का नल लगे, उस आधार पर हमने गाँव में हर घर में नल द्वारा पानी पिलाने का काम किया। गांव आपने कितने गोद लिए? मैंने अब तक 4 गांव अडॉप्ट कर लिए, एक और लेना है, अभी 5वां गांव लेना है इस बार। तो 5वां आप लेने जा रहे हैं, हाँ। लेकिन रामचरण जी, जो 4 आपने अब तक अडॉप्ट किए हैं, तो क्या आपने उस विजन को, आपको लगता है आपने पा लिया जो एक प्रधानमंत्री ने लाइन खींची? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मूलभूत आवश्यकता, हमने पूरा DPR तैयार कराया है गाँव का और DPR तैयार कराने के बाद में जो 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 स्कीम्स हैं उस स्कीम्स में जो रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट कराया, मेरे यहाँ JDA का जयपुर विकास प्राधिकरण है तो JDA से काम कराया, नगर निगम क्षेत्र में ये रूरल पंचायतें आती नहीं हैं तो JDA के माध्यम से और पंचायत राज के माध्यम से जो पैसा मिलता है पंचायतों को उसका एक रोड मैप बनाकर उस काम को पूरा किया। आपने रिंग रोड बनाया और वो जो सपना था उसको आपने पूरा किया, कितनी बड़ी कनेक्टिविटी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने 2007 में रिंग रोड का काम चालू किया था। लोगों का जो दूसरी पार्टियां हैं उनके बहकावे में आके किसानों ने जगह सरेंडर नहीं की जी। हम 2014 में मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया था कि हम रिंग रोड बनाने का इच्छा है क्या, उन्होंने कहा काय को पिटारा खोलते हो, मैंने कहा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं लोगों को समझाऊंगा और अपन रिंग रोड बनाएंगे। तो मैं उस अभियान में लगा और 41 दिन का हमने कार्य योजना बनाकर और उसमें सभी किसानों से जमीन सरेंडर कराकर रिंग रोड 47 किलोमीटर लंबी और 900 करोड़ की लागत से रिंग रोड का बनाने का काम किया। मैं इसके लिए नितिन गडकरी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बताइए रामचरण जी कि एक बार इतना एक्टिव होने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि घर की चिंता होती है कि मेरी माता जी हैं? देखो, मैं ठीक है, मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे घर की चिंता बिल्कुल नहीं है, वो सारा काम संभालती, चाहे वो माता जी का सेवा करने का काम हो, चाहे बच्चों को एजुकेशन से लेकर आज तक उनको पालन कर पोषण करने का काम हो, हर दृष्टि से उनको फ्री हैंड दे रखा है, वो हर दृष्टि से पूरा मेरा पीछे का काम देती। आपका आगे का विजन क्या है, क्या बच रहा है और आगे? देखिए, मैं इस सेवा के इस भाव से मैं राजनीति में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे कोई मिलता है और वो कोई काम बताता है, उस काम को मैं पूरा करता हूँ
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए जयपुर टूरिस्ट क्षेत्र होने के साथ साथ में हेरिटेज सिटी भी और पूरे विश्व में जयपुर का नाम है। कोई भी कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो जयपुर आए बिना नहीं रहता। और जयपुर एक धार्मिक नगरी भी है जहाँ पर गोविंद देव जी का आराध्य, हमारे जयपुर के आराध्य देव गोविंद है, तो गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं। ताड़केश्वर जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के जाते हैं। इतनी बड़ी शहर को का प्रतिनिधित्व करना और उन उस जनता की आवाज़ को उठाना आकर के संसद में, ये कितना बड़ा दायित्व होता है। ये सब मैं गोविंद देव जी की कृपा मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है। और पूरा मेरा परिवार नहीं है, मैं जयपुर को मेरा परिवार मान के चलता हूँ। उन सब के आशीर्वाद की कृपा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिनके कोई बताया और वो मेरे से नहीं हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ काम हो, नहीं होता तो फिर उसको बना के भाई अभी काम मेरे से नहीं हो पाएगा। बोरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसी बातें जो आपने हमें बताई वो निश्चित तौर से हमारे दर्शकों के लिए और आपके संसदीय क्षेत्र के जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अंत में हम आपको रामचरण बोहरा जी के कुछ ऐसे व्यक्तिगत पहलुओं से आपका परिचय करवाना चाहेंगे जैसे कि शायद आपने आज तक नहीं देखा है। आपको जरूर देखना चाहिए, आपको जरूर जानना चाहिए।